But the most insidious thing that Chuck Schumer and Joe Biden are trying to perpetrate, and Bernie and Elizabeth and Kamala, or what, Kamala, I don't know. अमेरिका में रिपब्लिकन सीनेटर डेविड परड्यू ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए आयोजित रैली में कमला हैरिस के नाम का गलत उच्चारण कर मजाक उड़ाया और इस पर उनके समर्थक ठहाका मार हंसने लगे। कमला हैरिस के विरोध में परड्यू इस कदर उतरे कि उनके नाम पर विवादित टिप्पणी तक दे डाली। रिपब्लिकन सीनेटर डेविड परड्यू ने कमला हैरिस के नाम का गलत उच्चारण किया, कभी कामा माला तो कभी का माला माला बोला और आखिर में ये क्या नाम है कहते हुए आगे बढ़ गए। But the most insidious thing that Chuck Schumer and Joe Biden are trying to perpetrate, and Bernie and Elizabeth and Kamala, I don't know. रिपब्लिकन सीनेटर डेविड परड्यू ने सोचा था कि मैकॉन रैली में कमला हैरिस के नाम का गलत उच्चारण कर वो ट्रंप को फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनका ये दाव उल्टा पड़ गया। हैरिस की प्रवक्ता सबरीना सिंह ने एक ट्वीट में परड्यू की इस विवादित टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि रिपब्लिकन का नस्लवादी चेहरा है, डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे अपने नाक का विषय बना लिया है और परड्यू को कमला हैरिस से जल्द माफी मांगने की नसीहत दे डाली है।